भाई दिस पीस तोड़ लिया हमने बहुत दूर से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं भाई। और एक सेकेंड लाइट ऑन कर देती हूँ। हाँ ठीक है, तो बस अभी मैं रेडी हुई हूँ, मुझे जाना है हॉस्पिटल। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट मंडे भी मैं हॉस्पिटल गई थी और आज फिर से मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो मैं, गुल्लू के पापा और हर्षु, हम तीनों जाने वाले हैं मेट्रो से। बाय मेट्रो जाएंगे हम लोग। तो फटाफट से एक बार हम लोग रेडी तो हो चुके, ऑलमोस्ट कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। बहुत ज्यादा भीड़ है मेट्रो में भाई, हम लोग बिल्कुल गेट पे ही खड़े हैं। जस्ट अभी हम लोग ना पहुंच तो गए हॉस्पिटल फटाफट से। और हर्षु दिखाने क्या कर रहा है, ये बंदर सा गुन्नू। तो ये सो गया था रास्ते में, अभी जस्ट उठा है। और फटाफट से मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको जो भी है। ठीक है, तो गाइस जस्ट अभी हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। और जस्ट मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ और फिर क्या है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है? जस्ट अभी हम हॉस्पिटल से आ गए मेट्रो स्टेशन वापस। और बस अब हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि हमने कैंटीन में अभी कुछ खाया नहीं, भूख लगी है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बस एक बार फटाफट से मार्केट देख लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। चलो दिस इज करोल बाग मार्केट, जो मंडे मार्केट लगती है स्वीट वाली। ये जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही देख रही हूँ मैं यहाँ पे। हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर देखते हैं करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि आज सच तबीयत का बड़ा इशू है यार। इतनी सुंदर सुंदर जूती है। और ना यहाँ पर ना काफ़ी मंडे मार्केट में सस्ता सामान मिल जाता है, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो मार्केट में मैंने देखा काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें थी, और ये टॉप्स जो थे वो 50 से स्टार्ट थे। यार 50 में तो कुछ भी नहीं आता, आई गेस बर्गर भी नहीं आता आजकल तो ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते थे। बट इनकी जो क्वालिटी थी ना वो इतनी कुछ खास नहीं थी, मेरे को नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा खास थी। और साइड में आप ये देख रहे हो ना, तो ये आप 100 वाले ट्राई कर सकते हो, 50 वाले मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बकवास थी। और बार्गेनिंग कराना तो बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पर, क्योंकि बार्गेनिंग कराना मस्ट है, ये लोग बहुत ज़्यादा रेट। और जस्ट मैं ये ना यहाँ पर ये येलो वाला टॉप देख रही थी, और उसने इसको 250 का बोला, तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा, इसका फैब्रिक भी कुछ इतना खास नहीं था, तो मैंने ये नहीं लाया। आगे थोड़ी टी शर्ट वी शर्ट देख रहे थे, वो भी पसंद नहीं आई मुझे तो कुछ खास। तो ये कुर्ता मुझे पसंद आया था जो कि मैंने ले लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आ गए हम पाव भाजी खाने के लिए। और भाई मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा था इन लोगों की वीडियोस बनाते हुए, और टेस्ट का तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो मैं इसीलिए ट्राई करना चाहती थी। मैंने काफ़ी देर तो इन्होंने बहुत टाइम लगाया, बट रियली बहुत टेस्टी थी। देर हो गई, ये शक्ल दिखा दिखा के तड़पाने लग रही है, वो यहाँ दिखा रहा है वो वहाँ दिखा रहा है, शक्ल दिखा दिखा के इनकी तड़पाने बना के दर रखे आते नहीं रहे, खमाने लग रहे भैया। और ये है इनकी थाली, जिसमें कि ये भाजी है, चटनी है, प्याज है और ये पाव है। बहुत डिलीशियस थी, सच में बहुत अच्छी थी, और बहुत गर्म भी थी ये, तो बस मेरा तो हाथ भी जल गया था बस। पर बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, मैंने जो टेस्ट किया ना वो देखो आप। और ये मैंने ऑल ओवर बाइट बना ली, और ये देखो आप टेस्ट करके बताओ भाई, यहाँ से टेस्ट नहीं कर सकते। बट आप कभी भी करोल बाग मार्केट जाते हो या मेट्रो स्टेशन के पास जाते हो तो मस्ट है कि इनकी पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है। और बस उसके बाद हम यहाँ निकल गए हैं मेट्रो से, और ये देखो मेट्रो खाली थी तो गोलू के पापा ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है, पूरी मेट्रो खाली थी तो ये कितने आराम से सो रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो।
और बस थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे घर। घर पहुंचने के बाद हमने सो गाइस जस्ट थोड़ी देर पहले हम घर आए थे, मतलब अभी शाम के 5 बज गए। हम लोग अप्रोक्स 2:30-3 बजे के करीबन घर आ गए थे और फिर आके मैं सो गई भाई। मतलब बिल्कुल थक गए थे ना, तो ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सो गई बस आके। क्योंकि खाना हम खा के आए थे तो बस बाकी सबने खा लिया था, उनके लिए ले ही आए थे। तो बस फिर हम लोग अभी उठी हूँ मैं, हर्षु अंदर सो रहा है, गुल्लू के पापा शॉप पर जा चुके हैं नीचे, गुल्लू को मैं छोड़ कर आई हूँ अभी, थोड़ा वो थोड़ी देर खेल लेगी बाहर, दैट्स इट। उसके अलावा अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, चलो फिर देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैं आलू और मटर जो है वो पील कर रही हूँ फटाफट से, काट पीट के सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मैं हम थोड़ी सी सब्जी बनानी है। आज हम लोगों के लिए भाजी रखी है, हम वो भाजी बाहर से खरीद कर ले आए थे थोड़ी सी पैक करा के, और बस फिर ये मसाले ख़त्म हो गए थे, तो ये मसाले मैंने साथ साथ डाल दिए हैं इसके अंदर, और फटाफट से सब्जी भी छोक दिया लगातार, और मेरे सर में भी लग गई भाई, पता है ये कॉर्नर जो है ना इसकी बहुत शार्प है, तो वो लग गई। शिव क्या खा रहा तू? अरे खाना खा रहे हैं, और इन दोनों ने देखो एक ज़रा रूम का क्या हाल बना दिया भाई, देखना ये खोला, इसमें से सामान निकाला और सारा सामान बाहर गिरा दिया। अब मैंने ये आधा लगा दिया तो ये फिर से निकालने लगा था, और ये देखो उधर देखो कपड़े, ठीक है, और ये आप लोगों को पोज दे रही है। हाल देखो यहाँ यहाँ नहीं और बाहर तक देखो सारे। दोनों ने तो पूरे घर का हाल बिगाड़ दिया है, बट मुझे वो करके सोना पड़ेगा। पर पहले मेरे जो बर्तन हो गए रात के, मैं फटाफट से आज ये वॉश कर लेती हूँ। आप लोगों को कभी नहीं दिखाया शायद से मैंने रात के बर्तन वॉश करते हुए, तो चलो रात के बर्तन वॉश कर लेती हूँ। गुल्लू के पापा आ गए थे तो हम लोगों ने खाना खा लिया। उस टाइम पे ऐसा मैंने आज कोई शूट करा नहीं, क्योंकि अंदर का मस्त देख रहे हो, कोई फ़ायदा ही नहीं था यार, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। तो आप फटाफट से मेरे बर्तन धो लेती हूँ, लेट्स स्टार्ट। बर्तन तो आज मेरे पास बहुत थोड़े से ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे धोने के लिए, पर ये भी मुझे बार बार बीच में छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि हर्षु बार बार बहुत रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, तो वो चाहता था कि मैं उसके पास लेट जाऊँ। बर्तन धोने के बाद मैं अंदर जा रही हूँ ये इनके टॉय साफ करने, ये यहाँ पे। सो गाइस जस्ट अभी मैंने ना अपना रूम ऑलमोस्ट किया है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है, तो वो मैं करके, और अब सबसे पहले जाऊँगी मैं अपना नाइट स्किन केयर करने के लिए। तो मैंने लगाई थी सनस्क्रीन, इनको देखो कैसे देख रहे हैं, हाँ देखो। तो मैंने लगाई थी सनस्क्रीन, तो मुझे करना है अब फेस वॉश, फटाफट से मैं करती हूँ फेस वॉश, और आज आपको दिखाती हूँ मैं अपना नाइट रूटीन। नाइट स्किन केयर में सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ इस फेस वॉश के साथ। इसको फेस वॉश अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब करने के बाद साफ पानी से आप वॉश कर लीजिए, ठंडे पानी से, और डैप डैप करके फेस को जो है सुखा लीजिए। उसके बाद मैं ये नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, ये है सोल फ्लावर की, बहुत अच्छी नाइट क्रीम है, मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे सूट कर रही है, तो मैंने अभी रिसेंट में इसको स्टार्ट किया है, बट मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस जस्ट मैंने अभी अपना स्किन केयर कर लिया है और अब हम लोग जाने वाले हैं सोने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, यहीं से आपसे मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। सारे प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप भी नाइट क्रीम और फेस वॉश ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जाके अभी लिंक पे क्लिक करो और अभी परचेज करो। हाँ, और इसको नींद आ रही है, तो चलिए फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं, यहीं से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। See you. क्या बोलोगे गोलू? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।